ये महात्मा गांधी जी का अपमान जानबूझ के किया हुआ लगता है। उन्होंने कहा कि उनके पिता करमचंद गांधी जी नहीं थे, कोई मुस्लिम जमींदार था, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक भिड़े को पकड़ के अंदर नहीं करते। महाराष्ट्र में दक्षिण पंथी नेता संभाजी भिड़े एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उन पर महात्मा गांधी के माता पिता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा है। अमरावती पुलिस ने इस मामले को लेकर भिड़े के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, और इससे पहले राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए भिड़े की गिरफ्तारी की मांग की थी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब भिड़े विवादों में घिरे हैं। भिड़े का विवादों से पुराना नाता रहा, चाहे वो भीमा कोरेगांव की हिंसा हो या फिर अब महात्मा गांधी को लेकर कथित विवादित टिप्पणी। दरअसल भिड़े ने विदर्भ के दौरे पर अमरावती पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन करमचंद गांधी महात्मा गांधी के असली पिता नहीं, उनके असली पिता मुस्लिम जमींदार थे। अब इसको लेकर हर जगह विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर जगह हड़कंप मचा हुआ है, और अब इसी को लेकर संजय निरुपम ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। पुलिस स्टेशन में बैठकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभाजी भिड़े के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कांग्रेस की ओर से ओशिवारा पुलिस स्टेशन में संभाजी भिड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। संजय निरुपम ने कहा कि संभाजी भिड़े के खिलाफ FIR की हमने मांग की है, पर उन पर तुरंत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो भिड़े के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और साथ ही साथ मणिपुर की घटना पर निरुपम ने कहा कि क्या कारण है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या सरकार का संबंध चीन से है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि मैं ओशिवारा पुलिस थाने में उपस्थित हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक प्रोटेस्ट देखने को मिला है, वो प्रोटेस्ट है श्री संभाजी भिड़े का। कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी जो बयान कर दिए हैं, अब बवाल देखने को मिल गया है, हलचल है। यहाँ पे नारे लग चुके हैं सिर्फ संभाजी भिड़े के ऊपर, लेकिन बता दूं कि वो मुद्दा रहा है सिर्फ महात्मा गांधी करमचंद गांधी के ऊपर, जिस तरह से करमचंद मुस्लिम के जमींदार थे। अब ये थे नहीं थे आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग कहेंगे, क्योंकि आक्रोश हो चुका है, अपमान है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, ये हम नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं। लेकिन बता दूं कि पूर्व सांसद संजय निरुपम आज यहाँ पे उपस्थित है ओशिवारा पुलिस चौकी में, और उन्होंने पुलिस चौकी में लेटर पैड दे दिया है, लिख के दिया है, बकायदे लिखित में दिया है कि संभाजी भिड़े के ऊपर गिरफ्तारी हो, FIR दर्ज हो। लेकिन अब हो ना हो, आने वाला समय तय करेगा कि FIR दर्ज होगा नहीं। अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कयामत आ जाएगा आंदोलन को लेकर। संजय निरुपम, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर, संभाजी भिड़े पर? संभाजी भिड़े एक तथाकथित समाज सेवी हैं महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के, और उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के संदर्भ में जो बयान दिया वो सर्वाधिक सर्वथा आपत्तिजनक है। हम उसके निंदा और निषेध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं सभी कांग्रेस के साथियों के साथ। उन्होंने महात्मा गांधी जी के पेरेंटेज के बारे में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनके पिता करमचंद गांधी जी नहीं थे, कोई मुस्लिम जमींदार था। यह सरासर गलत जानकारी है, ये महात्मा गांधी जी का अपमान जानबूझ के किया हुआ लगता है, और ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी, जिनका हमारे देश के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर इतना बड़ा उपकार है, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई बिना खड़ग और बगैर ढाल के, जिन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया, जिनको इस देश का हर नागरिक सम्मान देता है, उनको आदर करता है, उनको प्रणाम करता है, उनको भगवान मानता है, ऐसे राष्ट्रपिता का अपमान किया है भिड़े ने, और ऐसे भिड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर के हम लोग यहाँ आज ओशिवारा पुलिस स्टेशन में सभी कांग्रेस के साथी आए हैं, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक भिड़े को पकड़ के अंदर नहीं करते। लेकिन आपका कहना था महात्मा गांधी की बात आती, यहाँ अपमान की बात आती, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे अभद्र टिप्पणियाँ जो कही गई है, क्या लगता है कि अगर इस तरह से अपमान चलता रहा तो आपका आंदोलन किस तरह से होगा? अगर नहीं की गई पुलिस चौकी में, नहीं कुछ सुनवाई हो, तो आप क्या करेंगे? भिड़े के खिलाफ कार्रवाई करने और कराने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हम अदालतों में जाएंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे, भिड़े के गांव में जाएंगे, भिड़े के घर में घुसेंगे, बहुत सारे रास्ते हैं वो सब। लेकिन अभी एक हाइपोथेटिकल सवाल है आपका। मुझे उम्मीद है कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस
ये तीनों कहीं ना कहीं मजबूरन उनके मन में गांधी जी के प्रति कितना सम्मान है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ढोंग तो करते हैं कि गांधी जी का वो भी सम्मान करते जैसे हम करते हैं। तो ऐसे गांधी जी के बारे में अगर सचमुच उनके मन में सम्मान है, कम से कम नहीं है तो दिखाने के लिए उनको भिड़े के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। परसों जब पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये विषय रखा तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने बयान दिया है कि पूरे प्रकरण की वो जांच करेंगे और भिड़े के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरा वीडियो पब्लिक डोमेन में है, सबने देखा है। फिर वो दोबारा जब ये विवाद बढ़ गया तो भिड़े खुद फिर पब्लिक के बीच आते हैं, माइक पे आते हैं और कहते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर किताब को कोट किया, इस किताब में लिखा है। अब वो किताब कर्नाटक के कोई तो राइटर है, उन्होंने लिखा है। अब वो राइटर बेसिकली गोडसे की जय जयकार करने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी। अब गोडसे की जीवनी है उसमें, अब गोडसे के बारे में लिखते हैं कि गोडसे ने गांधी जी पे गोली चलाई नहीं, पूरे गांधी जी के हत्याकांड के ऊपर वर्षों तक अदालत में कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई, फांसी हुई लोगों को। अब ये राइटर पता नहीं कौन से गुफा में से, कौन से खोह में से, कौन से खड्डे में से क्या इन्फॉर्मेशन, क्या सबूत लेके आए हैं, कौन सा पेपर ढूंढ के लाए, कहते हैं गोडसे ने गांधी की हत्या की नहीं। इसका मतलब वो गोडसे जिंदाबाद करने वाली किताब है और गोडसे जिंदाबाद करने वाली किताब कभी भी कांग्रेस के लोग नहीं लिख सकते, कांग्रेस के लोग तो पढ़ते भी नहीं ऐसी किताब। वो राइटर कहीं ना कहीं या तो जनसंघ वाला होगा, बीजेपी वाला होगा, या आरएसएस वाला होगा, या हिंदू महासभा ही होगा, और इन्हीं चार में से किसी एक जमात से जुड़ा हुआ वो राइटर है जिसके बुक के आधार पर भिड़े ने फिर कहा है कि मैंने सच बोला है। ऐसे भिड़े के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बता दो कि ओसीवरा पुलिस चौकी में संजय निरुपम का बयान एक अलग तरीके से आया है, कहीं ना कहीं कि जिस तरह से यहाँ पे बवाल हलचल देखने को मिल गया है तो हर स्टेशन पे देखने को मिलेगा और आने वाला समय तय करेगा कि संभाजी भिड़े है कौन, धनुधर या मुंबई।